नमस्कार दोस्तों, बेगम हजरत महल, जन्म 1820, फैजाबाद, अवध, भारत, स्वर्गवास 7 अप्रैल 1879, काठमांडू, नेपाल। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। सन 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अवध राज्य को हड़प कर उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया, तब बेगम हजरत महल ने अवध के बागडोर को अपने हाथ में ले लिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बीरजीत कादर को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। हजरत महल ने संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी, जिसके कारण अवध प्रांत के जमींदार, किसान और सैनिकों ने उनका साथ दिया और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। हालांकि उन्होंने जी जान से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई और संघर्ष किया, पर अंतत उन्होंने हार का सामना करना पड़ा और भागकर उन्होंने नेपाल में शरण लिया, जहां पर उनकी मृत्यु सन 1879 में हो गई। बेगम हजरत महल का जन्म अवध प्रांत के फैजाबाद जिले में सन 1820 में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था। वे पेशे से गणिका थी और जब उनके माता पिता ने उन्हें बेचा, तब वे शाही हरम में एक ख्वाहिशीन के तौर पर आ गई। इसके बाद उन्हें शादी दलालों के बेच दिया गया, जिसके बाद उन्हें परी की उपाधि दी गई और वे महक परी कहलाने लगी। जब अवध के नवाब ने उन्हें अपने शाही हरम में शामिल किया, तब वे बेगम बन गई और हजरत महल की उपाधि उन्हें अपने पुत्र बीरजीत कादर के जन्म के बाद मिला। वे ताजदार ए अवध नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब सन 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर नवाब को कोलकाता भेज दिया, तब बेगम हजरत महल ने अवध का बागडोर संभालने का फैसला किया। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बीरजीत कादर को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 से 58 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। लखनऊ पर कब्जा के बाद हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र बीरजीत कादर को अवध की गद्दी पर बिठा दिया। इसके पश्चात जब कंपनी के सेना ने लखनऊ और अवध के ज़्यादातर भाग पर फिर से कब्जा जमा लिया, तब बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा। इसके पश्चात उन्होंने नाना साहेब, जिन्हें कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, उनके साथ मिलकर काम किया और फिर फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर आक्रमण को अंजाम दिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। दोस्तों, इसके बाद का जीवन इस प्रकार रहा। अंग्रेजों से पराजय के बाद बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण लेनी पड़ी। प्रारंभ में तो नेपाल के राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने मना कर दिया,
पर बाद में उन्हें शरण दे दी गई। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नेपाल में ही व्यतीत किया, जहां सन 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। दोस्तों, बेगम हजरत महल का मकबरा काठमांडू के मध्य जामा मस्जिद के पास के स्थान में स्थित है। यह स्थान दरबार मार्ग से ज़्यादा दूर नहीं। इसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति करती है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल के सम्मान में लखनऊ स्थित हजरतगंज के ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया। नाम बदलने के साथ साथ यहां एक संगमरमर का स्मारक भी बनाया गया। बेगम हजरत महल पार्क में रामलीला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव जैसे समारोह का आयोजन होता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों, ये था कुछ बातें बेगम हजरत महल की जीवन से जुड़ी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। नमस्कार दोस्तों।